दोस्तों, अगर अभी तक आपने इविलन और बॉब द किलर के बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके उसे देख ले, वरना ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था इविलन और बॉब द किलर शॉन को लेकर दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, और इधर गुल्ली बुल्ली और बाबा बादल पे बैठ के शॉन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें शॉन कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ये लोग बादल के साथ जंगल में आकर जंगल की छानबीन कर रहे हैं। तभी बाबा का मुकाबला दो दो मॉन्स्टरों से होता है, लेकिन बाबा उन दोनों मॉन्स्टरों को मार देते हैं। मार खाने के बाद वो दोनों मॉन्स्टर इविलन की दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और बाबा भी बादल पे बैठकर दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। वहां आकर बादल ड्रैगन बन चुका है। जब ये लोग नीचे उतरते हैं तो बाबा ने देखा कि शॉन तो पेड़ पे बंधा हुआ है और उसके आसपास कई सारे मॉन्स्टर हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। इविलन बाबा को अपनी दुनिया में देखकर डर गई है और इविलन को समझ में नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे। तभी इविलन अपनी जादुई शक्तियों से अपनी तीन तीन हमशक्लों को बुलाती है और इविलन की तीनों हमशक्लें जमीन के अंदर से बाहर निकलती हैं। इविलन अपनी तीनों हमशक्लों से कहती है, उन लोगों को मार डालो। ये सुनकर तीनों इविलन की हमशक्लें गुल्ली बुल्ली और बाबा की तरफ बढ़ने लगती हैं। और ये देखकर ड्रैगन बाबा से कहता है, बाबा मेरे अंदर काफी जादुई शक्तियां आ चुकी हैं, मैं अपने मुंह से आग निकालकर इन लोगों को मार सकता हूँ। बाबा कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो इन लोगों को अभी मार डालो। बाबा की बात सुनकर ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालकर उन तीनों इविलनों को मार देता है। अपनी तीनों हमशक्लों की मौत को देखकर इविलन और हंस रही है, क्योंकि इधर दादाजी द किलर रॉड को पकड़ने आ चुके हैं और दादाजी द किलर रॉड को पीछे से पकड़ लेते हैं और उसे चुपके से उठाकर इविलन के पास ले जाते हैं। बाबा ये देख लेते हैं और बाबा को समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने रॉड को क्यों किडनैप किया है। इविलन रॉड को अपनी गैंग में शामिल करना चाहती है और इविलन यही करती है। इविलन एक इंजेक्शन निकालती है और रॉड को लगा देती है। इंजेक्शन लगते ही रॉड वहीं बेहोश हो जाता है। लगता है इविलन ने रॉड को कोई जादुई इंजेक्शन दिया है। रॉड का शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है और थोड़ी ही देर में रॉड एक मॉन्स्टर रॉड बन जाता है और अब रॉड इविलन का गुलाम बन चुका है। ये सारी चीजें बाबा और गुल्ली बुल्ली देख रहे थे और अब उन्हें समझ में आ चुका है कि रॉड इविलन की गैंग में शामिल हो चुका है और अब वो उनका दोस्त नहीं रहा। गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा अब हमारा क्या होगा? इविलन के पास तो बहुत बड़ी टीम है और हम सिर्फ तीन लोग हैं, हम इविलन का मुकाबला कैसे करेंगे? बाबा और गुल्ली बुल्ली उड़न खटोले से नीचे उतरते हैं और इधर इविलन मॉन्स्टर रॉड से कहती है, सुनो मॉन्स्टर रॉड, अब तुम मेरे गुलाम बन चुके हो, तुम्हें अब वही मानना होगा जो मैं तुम्हें कहूंगी। मॉन्स्टर रॉड कहता है, जो हुक्म इविलन। और इविलन मॉन्स्टर रॉड से कहती है, जाकर बाबा और गुल्ली बुल्ली को मार दो। इविलन की बात सुनकर मॉन्स्टर रॉड गुल्ली बुल्ली और बाबा की तरफ आने लगता है। बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, गुल्ली बुल्ली मैं मॉन्स्टर रॉड का इतनी आसानी से मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। और फिर बाबा बादल ड्रैगन से कहते हैं, गुल्ली बुल्ली को कहीं ले जाओ। गुल्ली बुल्ली ड्रैगन पे बैठ जाते हैं और ड्रैगन उन्हें लेकर कहीं जाने लगता है। और अब मॉन्स्टर रॉड और बाबा के बीच बहुत घमासान लड़ाई होने वाली है। बाबा अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल मॉन्स्टर रॉड पे करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर रॉड पे बाबा की कोई भी शक्तियां असर नहीं कर रही और मॉन्स्टर रॉड धीरे धीरे बाबा की तरफ बढ़ते जा रहा है। बाबा को जल्दी कुछ करना होगा। लगता है अब बाबा को एक्सट्रीम मोड में आना होगा। बाबा के पास अब कोई चारा नहीं बचा है और बाबा एक्सट्रीम मोड में आने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उससे पहले बाबा के पास मॉन्स्टर रॉड पहुंच जाता है और मॉन्स्टर रॉड बाबा को एक पंच मारता है। पंच लगते ही बाबा उड़कर समुंदर में जा गिरते हैं। ये क्या, मॉन्स्टर रॉड ने तो बाबा को एक बार में ही मार दिया। बाबा को मारकर मॉन्स्टर रॉड इविलन की तरफ जाने लगता है, लेकिन इसे क्या पता बाबा अभी मरे नहीं है। बाबा समुंदर से बाहर निकलते हैं और बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो चुका है। एक्सट्रीम मोड में आते ही बाबा लेजर से मॉन्स्टर रॉड को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा का घातक लेजर भी मॉन्स्टर रॉड पे असर नहीं कर रहा। और फिर मॉन्स्टर रॉड बाबा से कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। ये बाबा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं?
बाबा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आसमान के रॉड के ऊपर बिजली गिरा दी, लेकिन बाबा के इतने वार के बाद भी मॉन्स्टर रॉड सिर्फ बेहोश हुआ है और थोड़ी ही देर में मॉन्स्टर रॉड को होश आ जाएगा। उससे पहले बाबा को इविल नन से शॉन को छुड़ाना होगा। बाबा इविल नन के पास आते हैं और इविल नन से कहते हैं, तुम्हें भी ऐसी मार चाहिए क्या? इविल नन बॉब द किलर और दादाजी द किलर से कहती है, इसे मार डालो। लेकिन ये क्या, ये दोनों कहाँ चले गए? ये दोनों तो दुम दबाकर भाग चुके हैं और अब बाबा के सामने इविल नन अकेली बची है। बाबा इविल नन को मुक्का मारकर दूर फेंक देते हैं और शॉन की रस्सी काट कर शॉन को छुड़ाते हैं और शॉन से कहते हैं, तुम यहीं रुको, मैं बस आता हूँ। बाबा इविल नन के पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे ऊपर भी बिजली गिराऊं क्या? इविल नन कहती है, बाबा मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। और फिर बाबा इविल नन से कहते हैं, ठीक है तो रॉड को ठीक होने का इंजेक्शन दो ताकि रॉड दोबारा से पहले जैसा हो सके। ठीक है बाबा, ये लो ये इंजेक्शन रॉड को लगा दो, ये इंजेक्शन लगते ही रॉड पहले जैसा हो जाएगा। और बाबा वो इंजेक्शन रॉड को लगा देते हैं और थोड़ी ही देर में रॉड पहले जैसा हो जाता है। तो ड्रैगन भी गुल्ली बुल्ली को लेकर आ चुका है और अब सारे लोग ड्रैगन पे सवार हो जाते हैं और बाबा ड्रैगन से कहते हैं, हमें हमारी दुनिया में ले चलो। सारे लोग अपनी दुनिया में वापस आते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दें।